अगर आप सीबीएसई 2020 के केमिस्ट्री 12th के एग्ज़ाम में 95 से ज़्यादा मार्क्स चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। कैसे? मैं आपके लिए बनाऊँगा 10 मॉडल टेस्ट पेपर जो सीबीएसई के न्यू पैटर्न पर बेस्ड होंगे और उनमें से 100% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप देखते रहें 10 मॉडल टेस्ट। आज हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई 2020 के 12th बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर, और मैं होप करता हूं कि मैं 10 पेपर बनाऊंगा और पूरा बोर्ड का पेपर उसी में से ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट तैयार हो जाएं 10 पेपर की सीरीज के लिए जो आपको देगी 99% मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड। फर्स्ट सेक्शन ए, सेक्शन ए में पैराग्राफ का क्वेश्चन आएगा और ये क्या कहता है कि एनालिन आर इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन प्रोटीन, मतलब 13 चैप्टर का क्वेश्चन है। उसमें कुछ NH2 ग्रुप है जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है ना, ये बेसिक करेक्टर को इंक्रीज करता है, ठीक है ना, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट को डिक्रीज कर देता है। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट हैपन व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। वो कहता है कि एनिलीन की रिएक्शन अगर एसिटाइल क्लोराइड से पिरिडीन के प्रेजेंस में करें तो क्या होगा। तो हमने एनिलीन बनाई और देखा एनिलीन की रिएक्शन जब हम एसिटाइल क्लोराइड से करेंगे तो हमारे पास दो डाउट होंगे, COCH3 रिंग में लगेगा या फिर NH2 में। पर बच्चों अगर लुईस एसिड कैटालिस्ट नहीं हो तो रिएक्शन कभी भी रिंग में नहीं होती है, इसलिए एनिलीन के इस H को हम रिप्लेस करके COCH3 लगा देंगे और इसी को ही हम एसाइलेशन भी कहते हैं। तो हमने एसाइलेशन में क्या किया बच्चों, हमने एसाइलेशन में किया इस NH2 की जगह पर लगा दिया COCH3। तो ये एक एसाइलेशन का क्वेश्चन भी हो गया कि एसाइलेशन का मींस क्या होता है। एसाइलेशन का मींस होता है किसी भी कंपाउंड के हाइड्रोजन को रिमूव करके COCH3 लगाना। हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि जब हम HNO3 की रिएक्शन HNO3 और H2SO4 से करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो हम जानते हैं कि एनिलीन एक ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये ऑर्थो और पैरा पे लगाएगा, पर इसमें एक स्पेशल केस होता है और वो हम देखते हैं क्या होता है कि जब हम इस एनिलीन की रिएक्शन HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में करेंगे। HNO3 और H2SO4 का फंक्शन होता है किसी भी बेंजीन रिंग कंपाउंड में NO2 अटैच करना। तो हमने इस NH2 को देखा और इस NH2 को देखकर हमको पता लगा कि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो हमने इसमें एक NO2 ऑर्थो पे लगा दिया और दूसरा NO2 पैरा पे लगा दिया। लेकिन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एनिलीन की जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है और जिसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा भी होती है, 47%। ये NCERT का क्वेश्चन भी है, तो ये क्वेश्चन सेपरेट भी आ जाता है कि एनिलीन मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट क्यों बनाता है। तो जब हम एनिलीन की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करते हैं तो एसिड का H जाकर इस NH2 से जुड़कर पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव बना लेता है, जिसको हम एनिलियम आयन कहते हैं, और एनिलियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है इसलिए इसमें मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ब्रोमोमीथेन से एथेनॉल बनाना है। तो ब्रोमोमीथेन में एक कार्बन है जबकि इथेनॉल में दो कार्बन है, इसका मींस क्या हुआ, इसका मींस हुआ कि हमें कार्बन एटम इंक्रीज करना पड़ेगा, तो कार्बन एटम इंक्रीज करने का सिंपल तरीका है, हमने इस CH3Br की रिएक्शन KCN से कराई तो साइनाइड लग गया, और जब हमने साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करी तो एसिड बन गया, और एसिड का जब हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन किया तो हमको एथेनॉल मिल गया।
मैंने आपको पुरानी वीडियो में रिडक्शन वीडियो में पढ़ा रखा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को अल्कोहल में और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हमेशा एमीन में कन्वर्ट करता है। अब हम इसका तीसरा पार्ट नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट हमको क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि क्लोरोबेंजीन क्लोरोनाइट्रोफिनॉल से पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना है, ठीक है ना। तो जब हम इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से कराते हैं तो एक्वस KOH यहाँ से Cl को हटा देगा और OH लगा देगा। इस रिएक्शन की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये NO2 नहीं होती तो ये रिएक्शन ईजिली से नहीं होती है। तो जितने NO2 बढ़ जाते हैं उतनी ही जल्दी से Cl रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि NO2 बने हुए कार्बेनाइन को स्टेबलाइज कर देता है। ये कॉम्पिटिटिव का अच्छा क्वेश्चन है और वो उसका कंसेप्ट ये है कि जब भी हैलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो और NO2 नहीं हो तो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, तो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहता है इसका आयुपिक नेम लिखो, ठीक है ना। हमने देखा N है, ठीक है ना। N देखकर हमें पता लगा कि ये टर्सरी अमीन है और टर्सरी अमीन का आयुपिक नेम लिखा जाता है N डायलकाइल एल्केन अमीन। जो छोटे स्मॉल ग्रुप होंगे उनको हम एल्काइल ग्रुप मानेंगे और बड़े वाले को एल्केन, इसलिए इसका आयुपिक नेम हो जाएगा N डाइमिथाइल इथेन अमीन। हम चलते हैं आगे। सिक्स क्वेश्चन है, वन वर्ड, एक्सप्लेन वाई Fe H2 हैज हायर मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू वेयर इज Fe CN6-3 हैज ए वैल्यू ऑफ ओनली 1.74 एंगस्ट्रॉम बोर मैग्नेटॉन। तो कंपाउंड में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैल्यू उसी के करस्पॉन्डिंग आती है। तो Fe H2O6 का मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 है जबकि Fe CN6 का 1.74 है। इसका मीन्स हुआ कि Fe H2O वाले कंपाउंड में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जबकि Fe CN6 वाले में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज H2O इज ए वीक लिगेंड सो पेयरिंग इज डजंट अकर, सो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गे मूवमेंट 5.92। बट CN इज अ वेरी स्ट्रांग लिगेंड सो पेयरिंग टेक प्लेस एंड ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आयरन, क्योंकि यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और +3 में आयरन का कॉन्फिगरेशन D5 होता है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन के 2 ही पेयर बन सकते हैं और एक फ्री है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हाई डज प्रोलॉन्ग डायलिसिस डिस्टेबलाइज द कोलाइड्स। अगर हम लगातार डायलिसिस करते रहें तो कोलाइड अनस्टेबल क्यों हो जाता है। डायलिसिस में क्या होता है, जब हम डायलिसिस में किसी सब्सटेंस को रखते हैं तो वाटर को फ्लो करते हैं और वाटर के फ्लो की वजह से उसमें से सॉल्वेंट बाहर निकल जाता है। तो अगर हम लगातार डायलिसिस करते रहेंगे तो कोलाइडल का सारा सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा और कोलाइडल प्रेसिपिटेट या फिर डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। एट्थ क्वेश्चन, Although carbon and hydrogen are better reducing agent but they are not used reduce metallic oxide at high temperature why, ठीक है ना। वो इस क्वेश्चन में कहता है कार्बन और हाइड्रोजन अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं फिर भी हायर टेम्परेचर पर हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज नहीं करते। तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि बिकॉज एट हायर टेम्परेचर रिएक्शन ΔG बिकम पॉजिटिव, ठीक है ना। रिएक्शन की ΔG पॉजिटिव हो जाती है और दूसरी बात हायर टेम्परेचर पर मेटल स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं तो वो उल्टा कार्बन के कंपाउंड को फिर से रिड्यूस कर देते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, विच फोर्स इम्पार्ट क्रिस्टलाइन नेचर टू अ पॉलीमर लाइक नायलॉन। नायलॉन मतलब पॉलीएमाइड फाइबर है और पॉलीएमाइड फाइबर में डाइपोल फोर्स की वजह से नायलॉन क्रिस्टलाइन बिहेवियर शो करते हैं। टेंथ क्वेश्चन, नेम एन आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के एक आर्टिफिशियल डेरिवेटिव का नाम बताओ जो
शुगर की तरह यूज कर सकते हैं। तो सुक्रोज के अगर हम 3 क्लोरीन को हटा दें, 3 OH को हटाकर 3 क्लोरीन लगा दें, तो बन जाता है ट्राई क्लोरोसुक्रालेज, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर का काम करते हैं, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर का काम करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, जो 11 से 15 नंबर तक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में है। तो हम देखते हैं हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो हमको क्या कहता है। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो वो कहता है कि एक 0.1 mm एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, जिसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.19 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, और एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने देखा फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, तो हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया डेल्टा टी एफ आई के एफ एम। टी एफ की वैल्यू है 0.19, आई हमें निकालना है, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन यहां से करेंगे क्योंकि हमें के चाहिए, के लिए सी और अल्फा स्क्वायर चाहिए, तो हमें सी तो दिया हुआ है पर अल्फा नहीं है, तो अल्फा निकालने के लिए हमने बॉन्ड ऑफ इक्वेशन लिख ली, ठीक है ना। अब बॉन्ड ऑफ इक्वेशन में आई नहीं है हमारे पास, तो हमने आई निकालने के लिए फिजिंग पॉइंट का फॉर्मूला रख लिया। तो 0.19 टी एफ की जगह रखा, आई निकालना है, के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.86 और मोलैलिटी 0.1 है। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमें आई की वैल्यू 1.02 आई, हमने आई को यहाँ रख दिया 1.02, 1.02 में से 1 को माइनस किया तो ऊपर 0.02 बच गया, ठीक है ना। अब क्योंकि एसिटिक एसिड टूटेगा, टूटकर ये दो पार्टिकल देगा, इसलिए एम की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 बचा, 1 से 0.02 को डिवाइड किया तो 0.02 ही आ गया, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू हमें कितनी मिली, 0.02। अब हमने सी की जगह 0.1 रख दिया और 0.02 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है ना। जब हमने इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई किया तो हमको आंसर मिला बी। तो 11th क्वेश्चन का आंसर होगा 4×10⁻¹। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन में हमें गैल्वनिक सेल गिवन है, ठीक है ना, और उसमें वो कहता है कि जब उसका कॉन्सेंट्रेशन 10 times कर दें कॉपर के कॉन्सेंट्रेशन से, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा। डेल्टा जी में और ई नॉट ई में ये रिलेशन होता है, तो आप देख सकते हैं जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया, कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो एन की वैल्यू 2 हो गई। एफ एज इट इज है, क्योंकि हम सारे आंसरों में देख सकते हैं एफ दिया हुआ है, और ई नॉट की वैल्यू इस सेल के लिए दे रखी है 1.1। हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया बी 2.2। अब हम आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ कि फॉग क्या है। फॉग तब बनता है जब, जैसे आजकल सर्दियों में फॉग बन रहा है, जब लिक्विड H2O एयर में सस्पेंडेड हो जाए, तो फॉग इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। हम चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन में वो कहता है जोन रिफाइनिंग से किसको प्योरीफाई किया जाएगा। जोन रिफाइनिंग से हम अल्ट्रा प्योर सेमीकंडक्टर बनाते हैं, और इनमें से हमने देखा सेमीकंडक्टर है हमारा बी, इसलिए 15th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, जर्मेनियम सिलिकॉन गैलियम को हम जोन रिफाइनिंग से प्योरीफाई करते हैं। अब हम चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन में ये हमको बोलता है फ्रोथ फ्लोटेशन से हम किस नॉट कंसेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, हम किसको फ्रोथ फ्लोटेशन से नहीं कर सकते। जनरली फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं, तो हमने देखा जिंक सल्फाइड भी इससे कर सकते हैं, गैलिना PbS को भी इससे करते हैं, कॉपर पाइराइड को भी इससे करते हैं, और ये अर्जेंटाइट है, ये है Ag2S, तो सारे ही सल्फाइड हुए। अब बच्चों फिर कैसे करेंगे, अर्जेंटाइट या सिल्वर को हम फ्रोथ फ्लोटेशन से कंसंट्रेटेड नहीं करते, क्योंकि हम इसको केमिकल मेथड या फिर लीचिंग से प्योरीफाई करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें हम इसकी रिएक्शन NaCN से डायरेक्ट कराते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट को हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से प्योरीफाई नहीं करते, क्योंकि इसको लीचिंग मेथड से प्योरीफाई करते। अब हमारे पास क्वेश्चन है
16 to 20 जो एसर्जन और रीजन के ऊपर बेस्ड है, आपको यहाँ एक स्टेटमेंट दिया होगा, नीचे उसका रीजन दिया होगा। अगर दोनों सही होंगे तो ए, अगर दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, ठीक है ना, और स्टेटमेंट ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी, और दोनों ही गलत हैं तो फिर डी आंसर होगा। तो हम देखते हैं 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन का आंसर। जब हम NaCl को वाटर में ऐड करते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाता है, ये बिल्कुल एकदम सही है। किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों होता है? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस उसके वेपर प्रेशर को कम कर देता है, इसलिए 16 क्वेश्चन का आंसर ए होगा, क्योंकि स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही सही भी है और एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बताते। हम चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। बॉन्ड एंगल इन इथर इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, ठीक है ना, तो टेट्राहेड्रल एंगल होता है 10928 मिनट, लेकिन जो सबसे लोएस्ट इथर है डाइमिथाइल इथर उसका भी बॉन्ड एंगल 110 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। देयर इज ए रिपल्सन बिटवीन टू बल्की ग्रुप, लेकिन रीजन सही है। नहीं, जब स्टेटमेंट गलत है तो ये भी गलत ही हो जाएगा, तो इसका आंसर 17 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो 17 का आंसर डी। हम चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, अगर हम फिनॉल में डोनर ग्रुप जोड़ दें तो एसिडिक नेचर कम हो जाता है, और अगर एसेप्टर ग्रुप जोड़ दें तो एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एसेप्टर ग्रुप है, इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होगा। और उसका रीजन यह है कि नाइट्रो ग्रुप फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। हम चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। निकेल कैन बी प्योरिफाइड बाय मॉन्ड प्रोसेस, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, और मॉन्ड प्रोसेस का प्रिंसिपल ये होता है कि निकेल वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाता है, कंपाउंड बनाता है जो हीट करने पर टूट जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी ए हो जाएगा, 19 का आंसर ए। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन गिव क्लोरीन एट एनोड इंस्टेड ऑफ O2, ठीक है ना। जब हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो Cl और O H2O के डिकम्पोजिशन से O2 बनती है, पर O2 का ओवर वोल्टेज ज्यादा होता है, इसलिए O2 की बजाय Cl पहले डिस्चार्ज होती है एनोड पर। इसका मतलब 20 क्वेश्चन का आंसर भी ए हो जाएगा, 20 का आंसर भी ए। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो हमें 2 मार्क देगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन सेक्शन बी का क्वेश्चन है, और जिसके 2 पार्ट हैं, और तो हम या तो ये करेंगे या ये न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हम दो सॉल्यूशन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं तो उसमें से ऑस्मोसिस होने लगती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सटर्नल प्रेशर विच जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम वॉन्ट ऑफ इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। वॉन्ट ऑफ इक्वेशन क्या होती है? ये हमारी होती है ICRT, ठीक है ना, ICRT, जहां पर C कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी है, R इसका कॉन्स्टेंट की वैल्यू है, T टेम्परेचर है, और I है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर में हम I लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा ये, ठीक है। अब हम चलते हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट मोल टू टोटल कंपोनेंट मोल इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का हम फॉर्मूला लिख देंगे, काई बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ओके,
तो मैं आपको फॉर्मूला लिखकर दिखा देता हूं, जिससे आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते। तो हम देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके और पार्ट की तरफ। हमको वो क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.5 ग्राम ऑफ MgBr2 इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एंड एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ MgBr2 इनटू आयंस, ठीक है ना। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो बच्चों कौन सा होगा, जिसमें हमें आई भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेल्टा टीएफ निकालेंगे, ठीक है। डेल्टा टीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को पुट करते जाएंगे। तो आई की वैल्यू बच्चों इस केस में कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 3। 3 क्यों हो जाएगी, क्योंकि MgBr2 तीन पार्टिकल देगा। केएफ की वैल्यू आप देख सकते हैं इसमें दे ही रखी है उसने हमको ये वैल्यू दे रखी है, उसने हमें ये वैल्यू दे रखी है 1.86। तो हम 1.86 वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमने 1.86 को भी यहाँ पर पुट कर दिया। अब WB कितना दिया हुआ है, उसने हमें WB देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि उसने हमें WB दे रखा है कितना, 10.5 ग्राम। तो हमने WB की जगह पर 10.5 ग्राम भी ऐड कर दिया, ठीक है। और 1000 की जगह हम कुछ नहीं कर सकते, उसने हमें MgBr2 का मोलर मास दे रखा है और मोलर मास बच्चों कितना दे रखा है, 184। तो हमने 184 भी रख दिया और WA यहाँ पर सॉल्वेंट का मास है, तो हमने सॉल्वेंट का मास भी रख दिया। इन सब को हम आपस में डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलेंगे 22 क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन ड्राई Cl2 के साथ में करते हैं तो हमें इसमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है ये, और प्लस H2O, ठीक है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं जीनोन F2 की रिएक्शन 2H2O से कराएं। तो जब हम जीनोन F2 की रिएक्शन 2H2O से कराते हैं तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी जीनोन F2 प्लस H2O, ठीक है ना। बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ 2 डालेंगे और इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो होंगे, एक तो जीनोन बन जाएगा, इससे हमें मिलेगा क्या, 2 मोल्स जीनोन प्लस 4HF प्लस हमको इसमें मिलेगा O2। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम चलेंगे इसके और वाले पार्ट की तरफ। तो हम चलते हैं और वाले पार्ट की तरफ। और वाले पार्ट में हम देख सकते हैं जब हम SO2 की रिएक्शन एसिडिफाइड के पोटेशियम डाइक्रोमेट से करते हैं तो क्या बनता है। तो K2CrO7 का फॉर्मूला हमने लिख लिया प्लस, ठीक है ना, हमने इसमें SO2 की रिएक्शन भी करा दी। SO2 के मॉलिक्यूल इसमें 3 होते हैं जो H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और हमको प्रोडक्ट क्या देते हैं, उसमें हमको प्रोडक्ट मिलता है एक तो K2SO4, ठीक है ना, दूसरा प्रोडक्ट मिलता है Cr2 ब्रैकेट में सल्फेट SO4 ब्रैकेट क्लोज थ्राइस। तो इसको मैं 4 कर देता हूं, तो क्रोमियम सल्फेट, ठीक है ना, और प्लस हमको मिलता है H2O। ये क्वेश्चन भी आपको लर्न करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में करते हैं तो क्या होता है। जब हम Br2 की रिएक्शन NaOH के साथ में करते हैं तो बच्चों इसमें 2 रिएक्शन होती हैं। अगर ये कोल्ड और कंसंट्रेटेड, कोल्ड और डाइल्यूट हुआ तो इसका प्रोडक्ट होगा NaO और Br प्लस NaBr। लेकिन अगर हमने NaOH हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया,
हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो जो एन ए ओ बी आर है इसकी जगह पर एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा और वो है एन ए बी आर ओ थ्री। तो बच्चों आपको याद रखना है, अगर एन ए ओ एच हेलोजन के साथ में हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो एन ए बी आर प्लस NaBr प्लस NaBrO3 बनेगा। लेकिन अगर कोल्ड और कंसंट्रेटेड हुआ तब हमको NaOBr प्लस NaBr मिलेगा। हम चलेंगे अब 23 क्वेश्चन की तरफ। ओके 23 क्वेश्चन की तरफ। 23 क्वेश्चन में वो हमको कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करो। ठीक है ना, तो इसके दो तरीके हैं कि हम इसके हाइब्रिडाइजेशन याद निकाल लें। ठीक है ना, इसमें ClO2 की स्ट्रक्चर, ClO2 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसके पास दो लॉन पेयर हैं इसलिए इसकी स्ट्रक्चर बी शेप्ड हो जाएगी। जबकि जिनॉन O2F2 में जिनोन की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है इसलिए sp3d2 की हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होती है। तो मैं आपको दिखाता हूं दोनों की स्ट्रक्चर कैसी होगी। इस सीएल पे दो लॉन पेयर होंगे, कई बच्चे इसको सीधा बना देते हैं, लॉन पेयर नहीं बनाते इसलिए फिर उसको उसमें नंबर कट जाते हैं। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। अब हम चलते हैं 24 क्वेश्चन की, तो हम चलते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ। गिव टू रीजन टू जस्टिफाई ग्लूकोज हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर। हमने ग्लूकोज की अगर स्ट्रक्चर देखी होगी तो ग्लूकोज में ऊपर CHO ग्रुप होता है, इसका मतलब हुआ कि एल्डिहाइड ग्रुप के टेस्ट देगा। लेकिन जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन सोडियम बाई सल्फाइट NaHSO3 के साथ में कराते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करता है, दूसरा ये DNP टेस्ट भी नहीं देता है। ठीक है ना, जो सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही पॉसिबल है। अगर इसकी ए साइक्लिक स्ट्रक्चर होती तो ग्लूकोज ये दोनों टेस्ट देता। तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करने के लिए हमें दो रिएक्शन देनी पड़ेंगी, कौन कौन सी, कि सोडियम बाई सल्फाइट के साथ में रिएक्ट नहीं करता और DNP टेस्ट भी नहीं देता है तथा ये मिथाइल ग्लूकोसाइड भी बनाता है। ठीक है ना, अब हम चलेंगे 24 क्वेश्चन की। 25 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 30 मिनट में कंप्लीट होती है, इसका मतलब है 25% रिएक्शन को 30 मिनट लगते हैं, तो 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। इसके दो तरीके हैं बच्चों, एक तरीका क्या है, पहले हम 25 और 30 के लिए K की वैल्यू निकाल लें और फिर K की वैल्यू को 90% वाली क्वेश्चन पर रखने पर हमको T लग जाएगा। लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक ही साथ ये करें। और एक ही साथ कैसे करते हैं आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर ये इक्वेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो हमने क्या किया 2.303 की जगह पर इक्वेशन को पेस्ट कर दिया। ये तो हमने इसी इक्वेशन को वापस से पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद में हमने यहाँ पर टाइम को इंक्लूड करना शुरू किया। आप देख सकते हैं उसने दे रखा है 30 मिनट, 2.303 में हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है ना, और ये आर नॉट को हमने मान लिया है 100 और जब 25% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 75 बचेगा। ठीक है ना, तो हमने 30 वाली इक्वेशन को कॉपी बना लिया। अब हमने क्या किया, उसी के नीचे ही 90% वाली इक्वेशन भी बना ली। 90% वाली इक्वेशन में आप देख सकते हैं इसकी जगह पर 100 ही आएगा और RT की जगह पर 10% ही बचेगा। क्यों, क्योंकि 90% रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों यहां से कितना बचा, अब देखो हमने दोनों को एक दूसरे के ऊपर, इससे ये कैंसिल हो गया और जब हम इस सबको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू हमको मिलेगी कितनी, टी इज इक्वल टू 240 मिनट।
ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा T42। फिर से बता देता हूँ, पहले 30% वाली इक्वेशन लिख ली, फिर 90% वाली इक्वेशन लिख ली, और दोनों को ऑब्लिक में करके 2.303K से 2.303K को हमने कर दिया डिवाइड, और लॉग हमको इसमें लॉग 3 और लॉग 4 की वैल्यू दी हुई है, इसमें तो लॉग 10 सीधा आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 और ये 4 ये वैल्यू दे रखी है, जब हम सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा कितना बच्चों, 240 मिनट। अब हम चलेंगे 20, तो हम देखते हैं 26 क्वेश्चन। नेम वन वाटर सॉल्यूबल एंड वन वाटर इनसॉल्यूबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, एमाइलोज जो वाटर सॉल्यूबल होता है, जबकि दूसरा पोर्शन होता है एमाइलोपेक्टिन जो वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है ना। व्हाट इज मीन बाय पेप्टाइड बॉन्ड, 26 का सेकेंड पार्ट। पेप्टाइड बॉन्ड का मीन्स क्या होता है, व्हेन अमीनो एसिड आर रिएक्ट टुगेदर। तो अमीनो एसिड रिएक्ट करती हैं, तो अमीनो एसिड में आप जानते हैं कि NH2 और COH दोनों ही ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो जब दूसरे अमीनो एसिड का NH2 दूसरे अमीनो एसिड के एसिड के साथ में रिएक्ट कर जाता है तो एमाइड बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। तो जब अमीनो एसिड रिएक्ट टुगेदर पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है ना। प्रोटीन में इसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड बार बार एमाइड बॉन्ड मल्टी टाइम्स बनता है, इसलिए हम कहते हैं इसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। मींस प्रोटीन कंटेन मैनी एमाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड, सो इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। हम चलेंगे इसके बाद में 27 क्वेश्चन की तरफ, और 27 क्वेश्चन में वो हमको क्या कहता है कि क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होगा। तो बच्चों आपको पता होगा क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होता है। क्लीमेंशन रिडक्शन में जब हम किसी कीटोन की रिएक्शन कराते हैं, जब हम किसी कीटोन की रिएक्शन जिंक HG और मरकरी की प्रेजेंस में कराते हैं, जिंक HG और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमको एल्केन मिल जाता है। तो हम इसको देखेंगे, इसमें 3 कार्बन है और 3 कार्बन वाला एक एल्केन बना देंगे, या किसी भी कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होगा, कोई भी कीटोन जिंक HG और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो हम यहां लिख देंगे प्लस, ठीक है ना, ZN ऑब्लिक HG ऑब्लिक HCl, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोपेन। अब हम चलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और ऐसे 12th के कोर्स में दो कंपाउंड हैं, ऐसे 12th के कोर्स में दो कंपाउंड हैं जो नहीं देते, तो और वो है हमारे सामने ये। तो हम देखते हैं इनकी रिएक्शन। जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करी, तो एक फॉर्मेल्डिहाइड तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और दूसरा एल्डिहाइड एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही जब हमने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराई, तो बेंजल्डिहाइड का एक CHO तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप एसिड या एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो हम चलेंगे सेक्शन सी की तरफ, जो हमारा 3 मार्क्स हमको देगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो सेक्शन नंबर सी का है। तो हमने देखा 5% सॉल्यूशन है केन शुगर का, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 है। अब वो कहता है कि अगर 5% सॉल्यूशन ग्लूकोज का है तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, या फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना होगा, ठीक है ना। तो इसके दो तरीके हैं, आप देख सकते हैं प्योर वाटर का है 273.15 और सॉल्यूशन का है 271, तो दोनों को माइनस किया तो डेल्टा TF की वैल्यू आप देख सकते हैं। डेल्टा TF की वैल्यू फर्स्ट वाले केस में हमको कितनी मिल गई, 2.15। अब अगर आप कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दे रहे होते तो कैसे करते, कि ग्लूकोज का मास 160 होता है और केन शुगर का होता है 342। इसका मतलब ग्लूकोज का मास केन शुगर से आधा है, ठीक है ना।
या केन शुगर का जस्ट डबल है, तो जिसका मोलर मास कम होता है वो, अगर पार्टिकल बराबर हो और जिसका मोलर मास कम हो वो ज़्यादा डिप्रेशन करता है, और कितना डबल, क्योंकि मोलर मास उसका डबल है, नहीं तो हम करके देख लेते, ठीक है। हमने इस आई की जगह पर वन रख दिया, क्यों वन क्यों रखा, क्योंकि ग्लूकोज का के आई आई वन होता और ये टूटता नहीं, ठीक है। अब हमने के एफ की वैल्यू पुट करी, के एफ की वैल्यू सब जानते हैं, यहां पर आई, यहां पर हमारा ऑस्मोटिक ये फॉर्मूला गलत सिलेक्ट हो गया, तो हम चलते हैं सही फॉर्मूले की तरफ, और सही फॉर्मूला क्या होता है, आई सी आर टी, ठीक है ना, आई सी ओ। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया इनटू और के एफ की वैल्यू को लिख दिया 1.86। W भी आपको दिख रहा होगा, 5% दिया हुआ है, तो हमने 5% लिख दिया। हजार में हम कुछ नहीं कर सकते, और केन शुगर का मोलर मास सबको दिख रहा होगा 342, ठीक है ना, और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 95, क्यों 5%। अब हम चलते हैं ग्लूकोज की तरफ, और ग्लूकोज का हमें डेल्टा टीएफ निकालना है, इसका केआई तो आई तो वन ही हो जाएगा, और केएफ की वैल्यू भी उसी के बराबर होगी, कितनी 1.86, या हम काट भी सकते थे। इसका वेट कितना है, ये भी 5% ही दिया हुआ है ग्लूकोज, 1000 में हम कुछ नहीं कर सकते। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, और WA की वैल्यू आएगी कितनी 95, क्योंकि 5% है। इन सबको अगर हम सॉल्व करते हैं तो डेल्टा TF की वैल्यू हमको मिलती है 4.09, तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आएगी 4.09। इसका मतलब जब हम इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, किस में से, 273.15 में से सबट्रैक्ट करेंगे 4.09, तो हमको आंसर मिल जाएगा 269 के अप्रॉक्स, ठीक है, 269 केल्विन इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन में कहता है कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाने वाला है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बच्चों दो ब्रैकेट होते हैं, ठीक है ना, या कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, तब ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो 29 के ए का आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, 29 का बी क्वेश्चन, जब हम TiH2O6 का सोल्यूशन तो कलरलेस है, जबकि TiH2O6 प्लस 3 का सोल्यूशन वायलेट है, तो टाइटेनियम का कॉन्फिगरेशन होता है 4s2 3d2, इसका मतलब इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे और इसने चारों ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, इसलिए इस टाइटेनियम H2O6 के बाद में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि TiH2O6 प्लस 3 के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कलर दिखाएगा, जबकि टाइटेनियम H2O6 प्लस 4 कलरलेस होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ कि इसका IUPAC नेम लिखो, किसका, इस कॉम्प्लेक्स का। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिगेंड देखते हैं, लिगेंड से पहले ब्रैकेट के बाहर देखते हैं, कोई कैटायन नहीं है, तो हमने इसमें क्या देखा कि इसमें लिगेंड तीन टाइप के हैं, अमोनिया है, NO2 है और Cl है। हमने देखा अल्फाबेटिकल सबसे पहले कौन आएगा, इसमें अल्फाबेटिकल सबसे पहले आएगा अमाइन, तो टेट्रा अमाइन, इसके एमाइन में दो एम आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, और फिर क्लोरीडो को बाद में नाइट्राइटो और एन जरूर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये नाइट एन के थ्रू अटैच है। अब कोबाल्ट लिख दिया, और कोबाल्ट के ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3, ठीक है ना, कोबाल्ट के ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितनी आ जाएगी 3, और फिर बाहर
क्लोराइड, इस पर कोई रूल नहीं लगेगा, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा टेट्रामाइन क्लोरिडो नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब हम चलेंगे क्वेश्चन, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन, ठीक है ना, कि क्रोमियम NH3 6+3 पैरामैग्नेटिक है जबकि NiCN6+2 डायमैग्नेटिक है, क्योंकि निकल का कॉन्फिग्रेशन 4s2 3d8 होता है और 4s2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 बनने में निकल जाएगा और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए निकल में सारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए NiCN6 इज डायमैग्नेटिक। तो जब भी डायमैग्नेटिक का क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर होता है बिकॉज निकल डजेंट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ कि कोबाल्ट EN थ्राइस मोर स्टेबल देन कोबाल्ट NH3 6, क्योंकि EN एक बाइडेंटेड लिगेंड है और बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड जब मेटल से अटैच हो जाते हैं तो चिलेशन की वजह से, चिलेशन क्लेशन जो भी आप बोलते हो, या रिंग फॉर्मेशन की वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। हम आगे चलते हैं सी क्वेश्चन की तरफ कि क्या होता है कि जब AgBr सोडियम थायोसल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है। फोटोग्राफी में थायोसल्फेट का काम होता है उसकी फिक्सिंग करना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2S2O3, ठीक है ना, ये हमारा हाइपो का फॉर्मूला। और जब हम हाइपो की रिएक्शन AgBr से कराते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है जिसके ऊपर लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है वो कौन सा होगा, वो होगा ये, ठीक है ना। तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स बनाकर दिखाता हूँ कि इन दोनों की रिएक्शन से क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, Na3, और आपको ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर Na3 लिख लिया और फिर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर Ag, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर S2O3, ब्रैकेट क्लोज्ड और फिर से 2 और ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिस कॉम्प्लेक्स पर लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और फोटो फिक्स हो जाती है, तो हम इसे कहते हैं फिक्सिंग ऑफ फोटोग्राफी, ठीक है ना। तो हाइपो का यूज फोटोग्राफी में एज ए फिक्सर की तरह यूज करते हैं और ये इक्वेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर का क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का, और वो कहता है एक रिएक्शन के लिए रेट फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, कितने टाइम में ये अपने इनिशियल अमाउंट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 10% वैल्यू। मतलब अगर 100 ग्राम था तो 10 ग्राम कितने टाइम में रह जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन पे ये फॉर्मूला लगता और हमने इसमें वैल्यू रखना शुरू किया, हमसे वो टी पूछ रहा है इसलिए हमने टी रख दिया, के की जगह पर इसकी वैल्यू रख दी 60। 2.303 में हम कुछ नहीं कर सकते और बच्चों जब 100 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, तो हमने 10 से इसको डिवाइड कर दिया, log 10 आ गया। log 10 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, और 60 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका टाइम मिल जाएगा कितना, इसका टाइम मिल जाएगा जो भी आप डिवाइड आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमको कहता है कि कुछ डिफरेंस का क्वेश्चन है कि मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड और मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स में क्या डिफरेंस है। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होता है, व्हेन ए लार्ज मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन प्रॉपर सॉल्वेंट इट विल ब्रेक डाउन इनटू कोलाइडल पार्टिकल एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। व्हेन वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन प्रॉपर सॉल्वेंट इट विल एसोसिएटेड टुगेदर एंड फॉर्म ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज मल्टीमोलिकुलर कोलाइड। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड का एग्जाम्पल है स्टार्च
और मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड का एग्जाम्पल है व्हेन सल्फर डिजॉल्व इन अल्कोहल सॉरी व्हेन सल्फर डिजॉल्व इन वाटर इट विल एक्यूमुलेट या फिर एसोसिएट इन टू एसिड। अब चलते हैं सॉल और जेल, ठीक है ना। When solid particle dissolve in liquid solution, liquid solvent sol is formed. While in gel, liquid dissolve in solid. Gel में liquid कम होता है और solid ज़्यादा होता है, जबकि sol में solid कम होता है liquid ज़्यादा होता है। अब हम चलते हैं adsorption की तरफ, ठीक है। एक adsorption होता है और एक absorption। Adsorption पर सिर्फ surface phenomena। Adsorption is a surface phenomena and molecule only attached on the surface of adsorbent. While in absorption, substance penetrate in the body of solid is called absorption। ठीक है, तो हम चलते हैं 32 question की तरफ। 32 क्वेश्चन में हमें ऑर्गेनिक का क्वेश्चन दिख रहा है और वो हमसे कह रहा है कि इन रिएक्शंस को पूरा करो। तो जब हम CH3Br की रिएक्शन किससे करेंगे, जब हम इसकी रिएक्शन करने वाले हैं Mg से, तो हमको मिल जाएगा CH3MgBr, ठीक है ना, जो एक ग्रिग्नार्ड रिजेंट है। जब हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट के CO2 से रिएक्शन करा के हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको मिल जाएगा एसिड। ग्रिग्नार्ड रिजेंट हमेशा CO2 के साथ में एसिड देता है। अब बच्चों तीसरा आया SOCl2 क्या करता है। SOCl2 का काम होता है OH को हटाकर Cl लगाना। तो इस OH की जगह पर हम Cl लगा देंगे और हमें एसिटाइल क्लोराइड मिल जाएगा। हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को हमने देखा कि साइनाइड के रिएक्शन SnCl2 और HCl के साथ में है। हमने इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी और ये निकली कौन से, स्टीफन रिडक्शन। और स्टीफन रिडक्शन का प्रोडक्ट सब जानते हैं, एल्डिहाइड बनता है। तो हमको प्रोडक्ट मिला C2H5CHO। तो पहला प्रोडक्ट क्या बना, C2H5CHO। अब हमने आगे देखा कि क्या होगा। अब हमने आगे देखा कि जब ये डाइल्यूट NaOH है और इसके साथ में एल्डोल कंडेंसेशन होगा, क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट सब जानते ही हैं, क्या बनेगा, इससे प्रोडक्ट बनेगा CH3। यह मैं आपको एक मिनट दिखाता हूं, वेट कर। तो हमने देखा कि ये प्रोपेनल के जब हम एल्डोल रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, और बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, इस वाले से एच निकाल लेते हैं, तो ये वाला एच जाएगा इस ओ के साथ जुड़कर इसको ओ एच बना देगा और इस कार्बन और इस सी एच ओ में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको जब हम आगे फर्दर हीट भी करेंगे तो ये ओ एच और इस एच के बीच में से बॉन्ड एक बॉन्ड आ जाएगा और ये OH हट जाएगा और ये C बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है और 2020 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन है जो कन्वर्जन का है और वो कहता है एसिटिक एसिड से हमें एसिटाइल्डिहाइड बनाना है। तो एसिटिक एसिड से बनाने के लिए हमने क्या किया, ये तो हमारा हो गया एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब हमने SOCl2 से कराई, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कराई थी, तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा ये CH3COCl। और CH3COCl की रिएक्शन PDE और BaSO4, जिसको हम रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन कराने पर हमें एसिटाइल्डिहाइड मिल जाएगा। अब आया टोलोइन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे। तो टोलोइन से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका है कि जब हम टोलोइन की रिएक्शन KMnO4 के साथ में कराएंगे तो हमको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, जो मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। तो जब हम इस टोलोइन का ऑक्सीडेशन इस CH3 का करेंगे तो इस CH3 की जगह पर हमको मिल जाएगा COOH और ये इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, तो हमें मिल गया टोलोइन से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए हमने इसका KMnO4 के साथ में ऑक्सीडेशन कर दिया।
अगला कन्वर्जन है प्रोपीन से प्रोपेनॉन बनाना। तो प्रोपीन का सबसे पहले हम हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन करने से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, और जब सेकेंडरी अल्कोहल का पीसीसी से ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा कीटोन। मैं आपको दिखाता हूँ, देख। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रोपीन का फॉर्मेशन किया, और प्रोपीन बनाने के लिए हमने फटाफट ये ग्रुप जोड़ दिया और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब जब हम इस कंपाउंड पर वाटर की रिएक्शन कराएंगे, वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो आप सब जानते हैं वाटर इसका हाइड्रेशन कर देगा, और हाइड्रेशन कर देगा तो ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर एक OH आकर लग जाएगा और हमको बच्चों क्या मिलेगा, एल्कोहल। अब जब हम इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पीसीसी के साथ में कराएंगे, किसके साथ में कराएंगे बच्चों, पीसीसी के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कीटोन, क्योंकि सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमको मिलता है कीटोन। ओके, तो क्योंकि सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमको हमेशा मिलता है कीटोन। अब हम चलते हैं 33 की तरफ कि why should Grignard reagent is prepared in anhydrous condition? Grignard reagent को हम anhydrous condition में क्यों बनाते हैं, क्योंकि Grignard reagent moisture से react करता है, इसलिए इसको anhydrous condition या dry ether के presence में बनाते हैं। B question, melting point of para dichlorobenzene are higher than dichlorobenzene, ठीक है ना, क्योंकि para dichlorobenzene एक symmetrical structure है, तो इसका lattice strong बनता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में। बच्चों मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं, जिससे आप सीबीएसई 2020 केमिस्ट्री के पेपर में कम से कम 95 तो ला ही सकें। अब हम चलते हैं 33 सी की तरफ, ऑल्दो अल्काइल हैलाइड आर पोलर बट स्टिल इनसॉल्युबल इन वाटर, फिर भी ये वाटर में सॉल्युबल क्यों है, वाटर में वही कंपाउंड सॉल्युबल होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती है, इसलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। हम चलते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ, 34 क्वेश्चन पी ब्लॉक से लिया हुआ है, और पी ब्लॉक क्वेश्चन में हमको ये क्या कहता है देखते हैं। पी ब्लॉक के इस क्वेश्चन में ये हमको कहता है कि हमने क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को बेयर में बर्न करके बी गैस बनाई, और बी गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, और बच्चा ट्वेल्थ का यही फंस जाएगा और वो एकदम CO2 को ले लेगा, लेकिन बच्चों प्रैक्टिकल में SO2 भी लाइम वाटर को मिल्की करती है, ठीक है ना, तो आप फंस मत जाना, ये CO2 नहीं है, क्योंकि CO2 या कार्बन हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। अब दूसरा कहता है दिस गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग से हमेशा SO2 मिलती है, क्या मिलती है SO2, और तीसरा ये गैस KMnO4 और K2Cr2O7 के सॉल्यूशन को डिक्लराइज कर लेती है। तो अब वो हमसे इसकी इक्वेशन भी कह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा SO2, SO2 गैस है, पर हमको उनकी रोस्टिंग भी कर कर दिखानी पड़ेगी कि अगर हम FeS2 की रिएक्शन O2 से कराते हैं तो हमको मिलता है Fe2O3 प्लस SO2, ठीक है ना, और KMnO4 की रिएक्शन जब हम इसके साथ में कराएंगे तो KMn O4, ठीक है ना, प्लस SO2, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में H2SO4, इससे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, MnSO4 प्लस, ठीक है ना, MnSO4 प्लस प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, इसमें SO2 भी SO4 में कन्वर्ट हो जाएगी और MN भी, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं,
तो आप देख सकते हैं बैलेंस प्रोडक्ट ये है कि KMnO4 SO2 से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, और कन्वर्ट हो जाएगा MnSO4, K2SO4 और H2SO4 इसका प्रोडक्ट बनेगा। और बच्चों ये रिएक्शन आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, ये डी ब्लॉक की रिएक्शन है, ये डी ब्लॉक नहीं सॉरी पी ब्लॉक SO2 की प्रॉपर्टीज में आपको मिलेगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने, और वो है सेक्शन डी। सेक्शन डी 5 मार्क्स का होता है, ठीक है ना, इसमें मैक्सिमम 5 पार्ट आ सकते हैं, ओके। तो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने है कि इनके प्रोडक्ट बनाओ। हमने देखा फिनॉल की रिएक्शन जब हमने इस एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराई, क्योंकि यहाँ लुईस एसिड नहीं है इसलिए रिंग में रिएक्शन नहीं होगी, और ये ओ, ये H और ये Cl हट जाएगा और बन जाएगा OCOCH3, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन प्रोपीन की रिएक्शन B2H6 और H2O2 और OH से कराएंगे, तो हमें देखते ही पता लगा कि यह हाइड्रोबोरेशन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का बच्चों कंसेप्ट ये है कि 1 इन से 1 ऑल और 2 इन से 2 ऑल बनता है, क्योंकि ये 1 पोजिशन पर डबल बॉन्ड है इसलिए इससे 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा। सी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी के इंटेक्स प्रॉब्लम है और अभी नीट के एग्जाम में आ भी चुकी है कि NaBH4 क्या करता है। NaBH4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन इस CHO ग्रुप को CH2OH में बदल देगा, ठीक है ना। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH CHO। मैं ये सारे प्रोडक्ट तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट का प्रोडक्ट ये बन जाएगा, सेकंड का प्रोडक्ट 1 प्रोपेनॉल और थर्ड का प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है ना। आप इन तीनों ही प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, पर कुछ भी करें आप कर जरूर लें, क्यों 2020 में 90% मार्क्स लाने। हम चलेंगे 36 क्वेश्चन की, यहाँ पर 35 का एक पार्ट अभी बचा है कि हमें डिस्टिंग्विश करना है फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल के बीच में। तो जब हम फिनॉल की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 के साथ में करते हैं तो हमको वायलेट कलर मिलता है। बच्चों डिस्टिंग्विश में हम उसी टेस्ट का यूज करेंगे जिससे कोई कलर प्रेसिपिटेट या कलर्ड सॉल्यूशन आता हो। और जब हम 2 प्रोपेनॉल की रिएक्शन 2 प्रोपेनॉल की आइडोफॉर्म रिएक्शन करेंगे तो हमें आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा जो 1 प्रोपेनॉल नहीं करेगा। यहाँ पर बच्चे 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल को ल्यूकास टेस्ट से भी डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं, पर ये अच्छा टेस्ट नहीं। अब हम चलते हैं इसके तरफ, फिनॉल से हमें सोडियम पिक्रेट बनाना है। सोडियम पिक्रेट का मतलब होता है पिक्रिक एसिड। तो जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन कर देंगे HNO3 के साथ में तो हमें, और फिर बेसिक मीडियम में सोडियम पिक्रेट बन जाएगा। प्रोपीन से प्रोपेनल बनाना है, तो प्रोपीन से प्रोपेनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जब हमने फिनॉल की रिएक्शन HNO3 और H2SO4 से कराई तो हमें पिक्रिक एसिड मिल गई, जिसकी रिएक्शन NaOH से कराने पर हमें सोडियम पिक्रेट बनेगा। प्रोपीन की रिएक्शन जब हमने B2H6 से कराई या हाइड्रोबोरेशन कराया तो सबसे पहले हमें 1 ऑल मिला, और फिर जब हमने इस 1 ऑल की रिएक्शन PCC से करा दी तो हमको प्रोपेनॉल मिल गया, ठीक है ना। फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने के लिए हमने फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से कराई, जिसको हम राइमर टीमान रिएक्शन कहते हैं, और हमको मिला सैलिसिल एल्डिहाइड। हम चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरापोजिशन, ठीक है ना। फिनॉल ऑर्थो और पैरापोजिशन पर ही क्यों इलेक्ट्रोफाइल देता है? तो आपने कभी पढ़ा होगा फिनॉल की जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिनॉल का ये जो लॉन पेयर है वो इस जगह जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज फिर इस पैरापोजिशन पर आ जाता है, और फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पोजिशन पर चला जाता है। तो फिनॉल के इस पोजिशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है,
ठीक है ना। अब आया कि फिनॉल न्यूक्लियोफिलिक सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। अब आया कि फिनॉल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देता है, या बेंजीन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देती है। फिनॉल के चारों तरफ आप देख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग होती है। पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग नेगेटिवली चार्ज होती है, जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करती है इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब हम करेंगे 36 क्वेश्चन। तो हम करते हैं 36 क्वेश्चन। जिंक की रॉड को जब हमने 0.001 mm सॉल्यूशन जिंक सल्फेट में 298 केल्विन टेम्परेचर पे डिप किया, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको ये पूछता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और जिसको हम नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करने वाले, ठीक है ना। तो नर्स्ट इक्वेशन ये है, हमने नर्स्ट इक्वेशन लिख लिया। ई नॉट सेल की वैल्यू आप देख सकते हैं, नेगेटिव कितनी दे रखी है, मैं इसको दोबारा से जिससे आपको दिखता रहे इसकी वैल्यू है। वैसे तो बच्चों इसका आंसर ये होता है कि ई सेल ई नॉट से थोड़ा सा कम आता है, तो इसका ई नॉट थोड़ा सा ही कम आएगा, किससे, 76 से, ठीक है। अब इसने जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2 जिंक ने लिए हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी 2। अब प्रोडक्ट, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर इक्वेशन में रिएक्शन नहीं दे रखी हो तो हम हमेशा रिडक्शन की इक्वेशंस को यूज करेंगे। किसके, रिडक्शन की इक्वेशन को यूज करेंगे। तो बच्चों प्रोडक्ट में तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा जिंक, ठीक है ना, प्रोडक्ट में आ जाएगा जिंक। और इसका कॉन्सेंट्रेशन हम ले लेंगे 1 क्योंकि ये है सॉलिड। और नीचे आ जाएगा बच्चों क्या, नीचे आ जाएगा Zn+2। Zn+2 क्यों आएगा नीचे, क्योंकि वो आप देख सकते हैं मैंने गलत कर दिया, हाँ जिंक तो ऊपर आएगा और Zn+2 नीचे, सही, ठीक है। तो Zn+2 नीचे आ जाएगा। अब हमने इसमें वैल्यू रखना शुरू किया, ठीक है ना। तो मैं इसी इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर दिखा देता हूं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया, आप देखो जिंक प्लस 2 का बच्चों कंसंट्रेशन कितना है, जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन इक्वेशन में है कितना, ये है कितना, 0.01, ठीक है। जब आप 0.01 को ऊपर ले जाओगे तो ऊपर लॉग 100 हो जाएगा और लॉग 100 की वैल्यू, लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है ना। तो ये पूरा पार्ट बच्चों कितना हो जाएगा, लॉग 2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बच्चों अल्टीमेट बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ये सारा पार्ट लॉग 2 बन के खत्म हो चुका है और नीचे से ये भी 2 खत्म हो गया है, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 0.0 ये, ठीक है, बाकी सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतने बोल्ट, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड व्हेन द करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट फॉर 15 मिनट। हमने देखा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें टाइम दिया हुआ है। तो बच्चों जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन में टाइम दिया हो तो आप समझ जाओ कि फैराडे का फर्स्ट लॉ का ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो अब हम इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ओके। तो हम शुरू करते हैं वैल्यू पुट करना। हमको इसमें W निकालना है, तो W निकालना है तो बाकी बातें हमको रखनी पड़ेंगी। तो कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5। हमने कितने एम्पियर का करंट, हमने 2 एम्पियर का करंट पास किया है, कितने, 15 मिनट तक। पर बच्चों इसमें मिनट नहीं सेकंड रखते हैं, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर की वैलेंसी कितनी है, कॉपर की वैलेंसी है 2, और जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा
कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट हुआ है, कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट हुआ है, ठीक है ना। हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम करीब करीब एंड में आ गए हैं। फ्यूल सेल आर द केमिकल, या फ्यूल सेल आर डायरेक्टली कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट स्टोर देम, ठीक है ना। दूसरी बात, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, ये 80% तक एनर्जी को कंजर्व कर सकता है या कन्वर्ट कर सकता है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पॉल्यूशन नहीं करता, ये पॉल्यूशन नहीं करता, और इसमें जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो भी यूज हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इसका ए पार्ट। एक्सप्लेन विद ग्राफ द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन, इसके लिए हमें डिवाई हकल थ्योरी का यूज करते हैं। तो जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि क्यों बढ़ जाती है। इसकी वैल्यू इसलिए बढ़ती है क्योंकि आयंस के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, आयंस के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है, जिससे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, और बी पार्ट में वो हमसे डेल्टा जी पूछ रहा है, ठीक है ना, डेल्टा जी और केसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं आपको करके बताता हूं। तो हमें डेल्टा जी निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल निकालने के लिए हम कैथोड में से माइनस कर देंगे एनोड की वैल्यू को, ठीक है ना। हमने देखा यहां पर कैथोड है जिंक का, सॉरी कैथोड है कैडमियम का, क्योंकि कैडमियम का रिडक्शन हुआ है। तो जब हम इसमें माइनस करेंगे तो आप देखेंगे माइनस, ठीक है ना, 0.403 और माइनस, ठीक है ना, ब्रैकेट में भी माइनस माइनस, ठीक है, 0.76 को जब हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 36, मतलब 36 वोल्ट इसका ई नॉट आ गया है। अब हम जी, डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला आप सबको आता होगा। तो जी इक्वल टू होता है माइनस, ठीक है ना, एन एफ और ई नॉट सेल, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं एन की वैल्यू 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं, ठीक ठीक बात, और इसमें एफ की वैल्यू को एज इट इज छोड़ देते हैं, और ई नॉट आप जानते हैं अभी अभी हमने किया है 0.36, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। फेराडे की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। कुछ बच्चे, जैसा मैंने गलती करी है ऐसे ही कुछ बच्चे गलती करते हैं और इसमें आगे माइनस साइन नहीं लगाते, इसलिए उनका आंसर गलत हो जाता है। अब हमें निकालना है, हमें जी मिल गया है और हमें निकालना है इसका क्या, लॉग केसी। तो लॉग केसी या डेल्टा जी से जी और केसी में रिलेशन ये होता है -2.303, ठीक है ना, आरटी और लॉग केसी, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यू को रख कर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर अगर ये नहीं आती तो फिर टेंशन की बात है। अब हम पहुंच गए हैं बच्चों 37 क्वेश्चन की तरफ। ट्रांजिशन मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि डी और एस की एनर्जी करीब करीब बराबर होती है, इसलिए मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। 37 का सेकंड, सीरियम +4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सीरियम इज अ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, इसलिए सीरियम +4 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सीरियम +3 में चला जाता है, या फिर इसके ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव ज़्यादा होती है, इसलिए सीरियम अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका थर्ड पार्ट, Mn3+2 की वैल्यू 1.57 वोल्ट दी हुई है, जबकि क्रोमियम की कंपैरिजन में जो ज़्यादा है, क्योंकि Mn का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है D5, ठीक है ना,
एमएन के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसके ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत हाई होती है। और अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। D4 configuration in chromium plus 3 is reducing while Mn plus 3 is oxidizing. इसका रीजन भी अभी अभी बताया था कि Mn की plus 2 oxidation number stable होती है। और क्यों होती है? क्योंकि उसका configuration D5 होता है। तो Mn एक इलेक्ट्रॉन लेकर stable configuration में convert हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसलिए Mn प्लस 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जबकि क्रोमियम प्लस 2, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो आप ठीक कर लें, क्रोमियम प्लस 2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है Cr प्लस 3। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज कलर होता है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही हम इसको अल्कलाइन मीडियम में डालते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है। उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि डाइक्रोमेट जो है, ठीक है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्रोमेट जो है वो बेसिक मीडियम में क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और क्रोमेट आयन का कलर सारे बच्चे जानते हैं, येलो होता है, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर बच्चों ऑरेंज होता है और क्रोमेट का कलर येलो होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसमें बेस डालेंगे ये ऑरेंज से येलो हो जाएगा, और येलो में अगर एसिड डालेंगे तो ये फौरन फिर से ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एनसीईआरटी डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, और डी ब्लॉक में क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम क्रोमेट और डाइक्रोमेट पर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एसिडिक मीडियम में ऑरेंज कलर आ जाता है, जबकि बेसिक मीडियम में येलो कलर आता है और एसिडिक में ऑरेंज कलर। और कॉम्पिटेटिव के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पीएच 4 पर दोनों कलर न्यूट्रल होते हैं, मतलब इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन आज के इस 2020 सीबीएसई बोर्ड का पेपर का थर्ड पार्ट। कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही क्यों दिखाता है? क्योंकि ऑक्साइड और फ्लोराइड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कोई भी एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ दिखाएगा। अगर इन दोनों में भी पूछ ले कि किसके साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है तो वो ऑक्साइड होगा। ऑक्साइड में सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है क्योंकि ऑक्सीजन मेटल के साथ में PπDπ बॉन्ड बना सकता है, PπDπ बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से कोई भी मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड में दिखाएगा। एग्जाम्पल MnO4-, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड में ही क्यों होती है, क्योंकि Mn ऑक्सीजन के साथ में PπDπ बॉन्ड बना लेता है। ये एनसीईआरटी के लिए इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने फर्स्ट पेपर के 37 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इंतज़ार करें CBSE 2020 का सेकेंड मॉडल पेपर, अगर 95 से अब चाहिए तो, और अब नहीं चाहिए तो मस्त रहे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं।